उदाहरण एक, एक कर्मचारी की वित्तीय वर्ष 2008-09 में आय 4,28,000 रुपये थी। उसने 2,500 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में तथा 25,000 रुपये अर्धवार्षिकी जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम में जमा किया। उसने 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा तथा 25,000 रुपये एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किए। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाई गई आयकर की धनराशि ज्ञात कीजिए। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम और राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में जमा के कुल 1,00,000 रुपये तक आयकर से छूट है। ट्रस्ट में दान की राशि का 50% आयकर में छूट धारा 80G के अंतर्गत है। आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। सारणी के शीर्षक हैं क्रमांक, कर योग्य सीमा, आयकर की दर। पहला, 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं। दूसरा, 1,50,001 रुपये से 3,00,000 रुपये तक 10%। तीसरा, 3,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 20%। इसके अतिरिक्त आयकर का 3% शिक्षा अधिभार लगाया जाएगा। हल, एक कर्मचारी, एक कर्मचारी की कुल आय ये दिया गया है हमारे पास 4,28,000 रुपये। ट्रस्ट में दान की गई राशि 25,000 रुपये का 50% कटौती होंगी, तो ये हो गया अपना 25,000 × 50 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा 100। तो छूट की राशि बराबर ये हो जाएगा 25,500 रुपये। शेष आय बराबर 4,28,000 रुपये ऋण 12,500 रुपये घटाने पर प्राप्त होगा हमारे पास 4,15,500 रुपये। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा कुल राशि 1,00,000 सामान्य भविष्य निधि धन जीवन बीमा प्रीमियम धन जीवन बीमा प्रीमियम धन राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि होगा हमारे पास बराबर, यह है हमारा 2,500 × 12 धन 25,000 × 2 क्योंकि अर्धवार्षिक है तो गुणा 2 करेंगे, ये प्रति माह है तो 12 से हम करेंगे, और
राष्ट्रीय बचत पत्र जो है वर्ष में एक बार 30,000 रुपये की कट जमा किया जा रहा है, तो 2,500 को 12 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 30,000 रुपये, धन 25,000 को 2 से गुणा करने पर 50,000 रुपये, धन 30,000 रुपये हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र जो है इसका योग जो है हमारा 1,10,000 रुपये, जो 1,00,000 से अधिक है। आयकर में छूट की राशि, आयकर में छूट की राशि जो है हमारे पास वो 1,00,000 रुपये है, अतः कर योग आय जो होंगी वो होंगी हमारी 4,00,000, हमने ज्ञात किया था 4,15,500 जो रुपए है में 1,00,000 रुपये हम यहाँ घटा देंगे। 1,00,000 रुपये जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3,15,500 रुपये। आगे देखते हैं अगले पृष्ठ में दिए गए आयकर की दर क्रमांक 3 के अनुसार, प्रश्न में जो दिया हुआ है क्रमांक 3 के अनुसार बराबर प्रथम 1,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं। आयकर बराबर 1,50,000 रुपये का 10%, धन 1,55,000 का 20%, बराबर 1,50,000 का 10% जो है वह 15,000 रुपये होगा, 15,000 रुपये, और उसी तरह से 1,55,000 का 20% जो है 3,100 रुपये होगा। तो इस तरह से इनका योग जो है वो है 18,100 रुपये। तो शिक्षा अधिभार, शिक्षा अधिभार बराबर 18,100 का 3% हम ज्ञात करेंगे। तो 18,100 का 3% निकालने के लिए 18,100 × 3/100 बराबर ये आएगा 543 रुपये। अब हम ज्ञात करेंगे कुल दे आयकर। कुल देय आयकर हमारे पास है 18,100 रुपये, हमने आयकर ज्ञात किया था और हमने 543 रुपये शिक्षा अधिभार ज्ञात किया, और 18,100 में 543 रुपये को का योग जो है वो हमें प्राप्त होगा 18,643 रुपये। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि कुल
नहीं इतने के। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि कुल देय आयकर जो है वो हमारा 18,643 रुपये है। यह इस उदाहरण का हल होगा।